सो हम आ चुके हैं अब दूसरे एरिया के साइड। जिस एरिया के साइड आए मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। जैसे आपको बोर्ड दिख रहा होगा, इस बोर्ड में लिखा हुआ, डिटेल लिखी हुई सारी। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड। एज यू नो गाइस, जैसे कि आपको भाई रेडी तैयार हो चुका है, कहीं जाना है, कहीं चलेंगे, नई जगह पे, नई नई जगह जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, नई नई जगह पे हम जा रहे हैं आजकल, नई जगह पे चलेंगे। बट उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बोलना चाहूंगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपका भाई आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, आप लोगों के लिए न्यू न्यू कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है अपनी तरफ से पूरी। और गाइस, जब आप लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो मैं मोटिवेट फील करता हूँ। मुझे उससे क्या है, खुशी मिलती है। सो आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे बनाए रखिए। अब चलते हैं, लेट्स गो। सो बाहर रोड पर आ चुका हूँ मैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, और अब चलेंगे यहाँ से, चलते हैं फटाफट, वहाँ चलते हैं, वहाँ पहुँच के आप लोगों को बताते हैं। गाइस, हम आ चुके हैं, पहुंच चुके हैं, और आपको मैं बताना चाहूंगा कहाँ आए और टिकट वगैरह मैंने ले लिए। मैं आपको बताना चाहूंगा टिकट वगैरह के बारे में। सो आज हम आए हैं जंतर मंतर, और जंतर मंतर पूरा घूमेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, इसके अंदर देखेंगे क्या है, क्या नहीं, क्या क्या दिखाएंगे आप लोगों को भी। और इसका टिकट प्राइस वगैरह है, ऑनलाइन टिकट है 20 रुपीज़ की, और ऑफलाइन टिकट है 25 रुपीज़ की। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मैथड है, कौन सा मैथड आपको अच्छा लगे ले सकते हैं। और अब चलते हैं अंदर की तरफ, अंदर देखते हैं क्या क्या आप लोगों को दिखाएंगे। चलिए, और मैं आप लोगों को टिकट दिखा दूँ। देखिए, जैसे कि मेरे हाथ में टिकट देख रहे हैं, ये टिकट है, ले चुका हूँ। अब अंदर चलते हैं, अंदर का दिखाते हैं आप। यहाँ से एंट्रेंस गेट है, यहाँ से चलेंगे अंदर। आ रहे जा रहे लोग यहीं से आने का और जाने का है। एंट्री हो चुकी है अपनी, और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अंदर जैसे घुसेंगे आपको टिकट चेक करनी पड़ेगी। जो टिकट लेंगे दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे पर्सन खड़े होते हैं उनको दिखा के फिर अंदर जाके आप एंट्री कर पाएंगे। उनको दिखा दिया मैंने, अब अंदर आ चुका हूँ, और इधर देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। मैं फर्स्ट टाइम हूँ यहाँ पे, और आप लोगों को भी दिखाऊंगा। इधर का पार्क वार्क का व्यू है, और देखते हैं ऊपर का कैसे कैसा नज़ारा है, आप लोगों को दिखाते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, और वीडियो को एंड तक देखिए, मज़ा आएगा, स्किप मत कीजिएगा। बहुत इंटरटेनिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियो होगी आपके लिए। चलते हैं आगे की तरफ, दिखाते हैं आपको। जैसा कि आप देख रहे हैं, कुछ इस तरीके का है, और बहुत ही बढ़िया है, बहुत अमेजिंग है, अच्छा लग रहा है मुझे तो देखने में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा ये देखने में। देख सकते हैं आप जैसा कि कितना बढ़िया व्यू है पार्क का, बहुत है अच्छा लग रहा है। और सारे लोग यहाँ पे बैठ के अपने फैमिली के साथ, बच्चे एंड पेरेंट्स सब आए यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, घूम रहे हैं यहाँ पे, बच्चे लोगों को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं इसके बारे में। आगे चलेंगे, और आगे हम इधर आपको दिखाएंगे, तो आगे चलते हैं। अभी हम आ चुके इधर सम्राट यंत्र की तरफ, और आप लोगों को सम्राट यंत्र दिखाएंगे। इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा पहले बता दूं, सम्राट यंत्र क्या है। सम्राट यंत्र वो चीज़ है, पहले के टाइम की थी, प्राचीन काल के टाइम के ज़माने की बनी हुई है। उसमें डिटेल में लिखा हुआ, मैंने अभी जस्ट थोड़ा सा पढ़ा है, और वो आप लोगों को उसके बारे में डिटेल भी दिखाऊंगा। बट मैं ये आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, प्राचीन काल के टाइम का बना हुआ सम्राट यंत्र वो क्या चीज़ है। वो है, पहले के टाइम पे जैसे घड़ी वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो उसके ज़रिए सूर्य ग्रहण जो होता था डूबता था, और सूर्य उगता था, फिर इधर से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाता हुआ आता था, तो उसके ज़रिए टाइम को देखा जाता था। पहले मुझे तो नहीं पता इसके बारे में ऐसा कुछ, पहले मतलब मैंने सुना है हुआ करता था, बट मैं तो अकॉर्डिंग नहीं कर पाऊंगा, ऐसे टाइम का अनुभव नहीं बता पाऊंगा। पहले के लोग देखते थे, पहले के टाइम पे उसी का ऐसी सूरज को देख के टाइम बताया करते थे, उसका टाइम टाइम और शेडोज वगैरह कुछ लिखा हुआ है। वो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, डिटेल देख लीजिए, फिर उसके बाद आगे दिखाते हैं आपको सम्राट यंत्र कैसा है, कैसा दिखता है। सो देख सकते हैं आप, डिटेल लिखा हुआ है, आप इसको वीडियो को स्टॉप करके पढ़ सकते हैं, कितने फिट का बना हुआ, कितना ऊंचा है और कैसा बना हुआ। जैसा आपको दिख रहा है, ऐसा बना रखा है, यही है सम्राट यंत्र। और अभी आपको मैं इसका स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, जैसा रियल में जो बना रखा है, तो मतलब डिटेल में लिखा हुआ है उसके बारे में, उसका स्ट्रक्चर दिखाते हैं आपको। चलिए, सो देखिए, ये है पूरा सम्राट यंत्र बना रखा है जो, और उसकी जो मैंने अभी आपको बताया, ये उसी के बारे में है। देख सकते हैं आप, देखिए कुछ इस तरीके से बना हुआ, जैसा अभी मैंने आपको दिखाया था वैसा। ये बहुत ऊंचा बना रखा है, ये इसकी ये जो दीवार है, इसी के टाइम पहले के यहाँ पे लोग इसी को देख करके टाइम अनुभव करते थे, मतलब सूरज डूबता था, उगता था, तो ऐसे टाइम देख के बताते थे। जैसे आपको यहाँ पे सूरज दिख रहा है, देखिए लाइट पड़ रही होगी, ये दिख नहीं पा रहा होगा क्लियर से। और यहाँ पे लोग वाक सब फोटो वगैरह क्लिक करा रहे हैं। इधर से कुछ ऐसा व्यू है, इसका सामने से दिखाएंगे, उस साइड से, सामने से, जैसे ये इस साइड का एरिया का है, ये जो दिख रहा है सामने, उस साइड से ये कैसा दिखता है, वो चीज़ को दिखाएंगे आपको। और आगे चलते उधर दिखाते हैं आपको आगे की तरफ से। चलिए, उधर की साइड आ चुके, जिधर की साइड से मैंने अभी आप लोगों को बोला था कि दिखाऊंगा, उधर चलते हैं, उधर से कैसा दिखता है फ्रंट की साइड से, जिस साइड से वॉल दिख रही थी पूरी की पूरी, और इस साइड से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसा दिख रहा है। बहुत ही अच्छा दिख रहा है, बहुत सारे
वो स्टेयर्स है इस साइड को, और वो दिखाता हूँ कैसा है आपको भी। देखिए आप भी इंजॉय करिए, मैं तो इंजॉय कर रहा हूँ, आप भी, आप लोगों को भी इंजॉय कराते हैं, एंटरटेन कराता हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे देखने में वो स्टेयर्स, बहुत सारे स्टेयर्स हैं वो। सो देख सकते हैं आप, देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, और ये बहुत सारी स्टेयर्स है, जैसे मैंने भी आपको बोला है, देखिए कितने सारी सीढ़ियाँ हैं, जीने हैं ये, और ये अंदर से सामने से ये कुछ खाली का खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पे बच्चे वगैरह फोटो वगैरह क्लिक करा रहे हैं। अच्छा व्यू है यहाँ का, देखिए आप कितना प्यारा लग रहा है, कुछ इस तरीके से है, बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के, मज़ा आ रहा है मुझे तो, आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा ये। तो जैसा कि आपने देखा वो अभी, और इस साइड से कैसे कितना बढ़िया सा दिख रहा था, और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ऊपर पहले जाने का था, जैसा आपने देखा वहाँ पे गेट लॉक लग रखा था, गेट बंद है, पहले सीढ़ियों पे जाके लोग पहले फ़ोटो वगैरह क्लिक कराते होंगे, मुझे तो नहीं पता, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। और यहाँ पे और क्या है आगे देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे आप लोगों को, आगे दिखाते क्या है। सो हम आ चुके हैं अब दूसरे एरिया के साइड, जिस एरिया के साइड आए मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। जैसा आपको बोर्ड दिख रहा होगा, इस बोर्ड में लिखा हुआ डिटेल लिखी हुई जा रही इसकी, और ये आए हैं मतलब जयप्रकाश यंत्र है, इसके बारे में दिखाऊंगा आपको क्या है ये। पहले आपको बोर्ड दिखा देता हूँ, इसके बारे में बताता हूँ। तो देखिए ये रहा बोर्ड, जयप्रकाश यंत्र लिखा हुआ है, और ये भी कुछ स्ट्रक्चर डिज़ाइन बने इसमें, मतलब वो बना रखा है ऐसी, और इधर इसका रियल बना रखा है स्ट्रक्चर, देखिए ये रहा स्ट्रक्चर इसके जो बड़े हुए हैं एकदम डिट्टो वैसा ही है। और ये पहले के टाइम पे अलाउड है यहाँ पे जाना, और देखिए बांध रखा रस्सी से, मने कर रखा है, तो जाएंगे नहीं यहाँ पे, हम भी अंदर नहीं जाएंगे। इधर आप इधर जाके फ़ोटो वगैरह क्लिक करा सकते हो, इधर की साइड इस एरिया की तरफ जाके फ़ोटो क्लिक करा सकते हो। और ये जयप्रकाश यंत्र कुछ इस तरीके से है, बहुत ही अच्छा लग रहा है जैसा आप देख रहे हैं ऐसे ही है। ये भी प्राचीन काल का बना हुआ है, आप डिटेल में पढ़ लेना इसको, स्टॉप करके वीडियो को पढ़ना चाहे तो आप में से कोई, और आगे चलते हैं। तो अब हम आ चुके हैं षष्ठ मास यंत्र की तरफ, आप लोगों को षष्ठ मास यंत्र दिखाएंगे, पहले आप लोगों को इसकी डिटेल दिखा देते हैं। देखिए ये है षष्ठ मास यंत्र, ये इसकी डिटेल लिखी हुई है, षष्ठ मास यंत्र दिखा देता हूँ आप लोगों को मैं अब। सो ये है पूरा षष्ठ मास यंत्र जो बना रखा है, उसके आपने देख लिया होगा ये डिटेल इसकी, ये षष्ठ मास यंत्र है। और यहाँ पे भी आज नहीं मतलब बंद कर रखा है ये जाने का, यहाँ पे अलाउड नहीं है ये, वो देख रहे हैं आप जैसे वो मने वहाँ पे स्टेयर पे चढ़ के जाना अलाउड नहीं, बंद कर दिया है, तो हम भी नहीं जाएंगे इसके ऊपर, चढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि रूल का उल्लंघन नहीं करना चाहेंगे हम। तो अब हम आ चुके हैं राम यंत्र की तरफ, आप लोगों को राम यंत्र दिखाएंगे, उससे पहले आप लोगों को डिटेल दिखा देते हैं इसकी। देखिए ये राम यंत्र लिखा हुआ है, और ये इसकी डिटेल है, हिंदी और इंग्लिश में लिखी हुई है, आप पढ़ना चाहते पढ़ सकते हैं इसको, और आप राम यंत्र दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए ये है पूरा राम यंत्र जैसा कि आप देख रहे हैं, और ये बेहतरीन लग रहा है, बहुत ही देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक करा रहे हैं लोग, बार देखिए बाहर से आए हैं, ये फॉरेनर है जो पिक्चर क्लिक कर रहे हैं इनकी, ये घूमने के लिए आए हैं, आप लोग भी आ सकते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। और ये पूरा ऐसे ये राउंड करके बना हुआ है गोल सा, आप लोगों को मैं गोल दिखाऊंगा इसका बाद में, अभी यहाँ से इसके अंदर से जो यहाँ से वो बना रखे हैं अंदर, देखते हैं इसके अंदर क्या है, आप लोगों को दिखाते हैं चलिए। देखिए अंदर से कुछ ऐसा दिख रहा है जैसा बना रखा है ऐसे ही, ये बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत अच्छा डिज़ाइन बना रखा है, ये ऐसे ही है पूरा, ये ऐसे करके चारों साइड से बना हुआ है पूरा का पूरा फैला हुआ, जैसे अभी मैंने आपको बताया गुलाई में है पूरा ऐसे ही है। और आगे इसकी क्या है आगे आपको और दिखाते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया राम यंत्र, देखा आपने, और उसी डिज़ाइन में उसी सेम डिज़ाइन में सब चीज़ में वैसे ही बनाया गया, बट उसका कलर चेंज है बाहर से, अंदर से भी सेम प्रोसेस है जैसा भी आपको अंदर से दिखाया, इसका भी अंदर से दिखाऊंगा, सेम है एकदम उसी की तरह ही है, बट पहले मैं आप लोगों को बाहर से दिखा देते, दूसरे डिज़ाइन दूसरे कलर में है, और डिज़ाइन वगैरह सब चीज़ एक ही सेम है। और मुझे ज़्यादा हिस्ट्री पता नहीं है, जिसको हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा नॉलेज लेनी हो तो आप वीडियो को स्टॉप करके जो डिटेल देता है आप उसमें पढ़ सकते हैं उस चीज़ों को। सो देखिए ये है, ये भी राम यंत्र है, और इसका डिज़ाइन बाहर से वैसे ही बना रखा है, थोड़ा सा डिफरेंस कर रखा है उसमें, देखिए इधर को इसमें नीचे से खोल रखा है मुंह, और इसका उसमें ऊपर से, इसमें चारों तरफ से खुला होता है नीचे यहाँ पे, और यहाँ पे तीनों साइड खुला होता है, बट इसमें नीचे से खोल रखा है और ऊपर से बंद कर रखा है। और ये रहा वो सामने देख सकते हैं आप, जैसे कि इसमें देखिए ऐसा खुला हुआ है, और इसमें कुछ इस तरीके से खुला हुआ है, और इसको हम पास से देखेंगे, पास से चलते दिखाते हैं आप लोगों को इसके अंदर में जैसा डिज़ाइन है, मैंने भी आपको बोला सेम है, बट मैं आप लोगों को फिर भी दिखा दूँ अंदर का कैसा डिज़ाइन है पास से, चलिए। देखिए ये देखिए पास से कुछ ऐसा दिख रहा है, इसमें भी वैसा ही डिज़ाइन बन रखा है सारा का सारा, जैसा आपको नज़र आ रहा है, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में ये।
आ चुके हैं मिश्री यंत्र की तरफ, आप लोगों को मिश्री यंत्र दिखाएंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को डिटेल दिखा दूं मिश्री यंत्र की, डिटेल पढ़ लेना आप में से कोई पढ़ना चाहते जैसे मैं आपको बोलता आ रहा हूँ, आप में से कोई इंटरेस्टेड हो हिस्ट्री के बारे में तो आप पढ़ सकता है, तो डिटेल दिखा देते हैं आपको। देखिए ये रहा मिश्री यंत्र की डिटेल है, आप पढ़ सकते हैं इसको क्लोज से, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये क्या क्या लिखा है आप इसको पढ़ सकते हैं, ये देखिए, और ये पूरे की पूरी इसकी हिस्ट्री है, और इधर की साइड इसका मैप बना हुआ है, इधर की साइड ये मिश्री यंत्र बना हुआ है, जैसे ये बना रखा है ड्राइंग चित्र का लिखा है जैसे वैसे ये बना हुआ है, आप लोगों को दिखाता हूँ अब मैं ये। तो देख सकते हैं आप ये कुछ इस तरीके से बना रखा है मिश्री यंत्र, जैसा भी आपने देखा इसका ड्राइंग बना हुआ था वैसे ही डिट्टो बना रखा है, और लोग यहाँ पे फोटो वगैरह क्लिक करा रहे हैं, देख रहे हैं जैसे कि आप लोग सारे बैठ के वहाँ पे फोटो वगैरह खिला रहे खिंचवा रहे हैं, मतलब क्लिक करवा रहे हैं। और पास से मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, इसको पास से देखिए कितना ही बेहतरीन दिख रहा है, जाने में और अच्छा दिखता जा रहा है, अट्रैक्टिव सा हो रहा है, ये देखने लायक सा व्यू होता जा रहा है। कुछ इस तरीके से बनाया गया है मिश्री यंत्र को, इसमें लिखा हुआ है 5 अलग अलग करके ऐसे कुछ लिखा रखा था मैंने, पढ़ा लिखा साहब पढ़ सकते हैं उस चीज़ों को। सो गाइज मैंने आपको पूरा का पूरा यहाँ से जंतर मंतर पूरा एक्सप्लोर करा दिया, जैसा आपने देख लिया होगा, आई होप आपको ये देख के अच्छा लगा होगा। और आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये एवरीडे खुला रहता है, किसी भी दिन बंद नहीं रहता, आप किसी भी दिन आ सकते हैं। इसकी टाइमिंग है 9-10 बजे से लेकर के ऐसे खुला रहता है, शाम के 5 बजे तक खुला रहता है, किसी भी टाइम आप आ सकते हैं घूमने के लिए यहाँ पे। और गाइज ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, एंड आई नीड योर सपोर्ट, आप लोगों का प्यार, आप लोगों की दुआएं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे। पैसा तो हर कोई कमाता है इस दुनिया में, हर इंसान कमाता है, मुझे सिर्फ आप लोगों का प्यार और आप लोगों की दुआएं चाहिए। आई होप आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल विच इज अजय कुमार ब्लॉग्स। इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल सो डू सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक मिल जाएगा आपको मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय, टेक केयर गाइज।